हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है ना, और ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को ठंडक देने वाले आइटम्स, ड्रिंक्स लेना होगा, वो भी नेचुरली। तो थोड़े लोग सोचेंगे बाहर की आइसक्रीम ले लिया, या फिर कूल ड्रिंक्स पी लिए, या फिर बाहर का कुछ भी कूल आइटम ले लेंगे और सोचेंगे मैंने कूल आइटम ले लिया, बट इनसे आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ेगा। तो इन कौन से आइटम्स से बॉडी को कूलिंग मिलेगी ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें टॉप में आते हैं नारियल का पानी, नींबू का पानी, लस्सी, छाछ, फ्रेश फ्रूट जूसेस, नन्नारी का शरबत और सब्जी से बने कोई भी आइटम। तो मैं आज इस वीडियो में एक बॉडी को ठंडक देने वाली स्वीट लस्सी कैसे बनाएंगे दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे सारे नए वीडियोस आप तक पहुँचने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो इस लस्सी को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें एकदम गाढ़ी वाली दही बिना पानी डाले लेनी होगी, वो भी रिफ्रिजरेट की हुई। तो पहले दही को लेकर उसमें 3 टेबलस्पून शुगर डालकर अच्छे से विस्कर की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लें, ताकि इसमें कोई भी गड्ढे ना रहें। और इसके बाद इसमें नन्नारी सिरप आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी शॉप्स पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इस नन्नारी सिरप को आप इसमें ऐड करके फिर से अच्छे से विस्क कर लें। अच्छी तरह से विस्क करने के बाद देखिए हमारी एकदम मज़ेदार लस्सी बनके तैयार है। और अगर आप चाहे तो इस पे फाइनली चॉप किए हुए बादाम या फिर काजू इस पर गार्निश कर सकते हैं, और गार्निश करके कूल लस्सी आप सर्व कर लें। तो बनके तैयार है ना हमारी स्वीट लस्सी, बस 2 इंग्रेडिएंट्स से। टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा, आप भी ट्राई कीजिए। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और भी नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।